20 तारीख से 19 सितंबर तक एक माह का जो हड़ताल है वो आज से शुरू हुआ और आयुध निर्माणी मुरान नगर ने लगभग 84% सफलता रही। जो अटेंडेंस रही वो मात्र 16% रही, इसलिए 100% सफलता मानी जाएगी। और पूरे देश की 41 निर्माणियों में आज हड़ताल रहा, क्योंकि भारत सरकार की हठधर्मिता के कारण जो मजदूर विरोधी नीतियां बनाई हैं, हमारी निर्माणी का कर्मचारी 218 वर्षों से जो सशस्त्र सेनाओं को गुणवत्ता सहित जो उत्पादन दे रहा है सशस्त्र सेनाओं के लिए, जो हमारी सेना -50 डिग्री पे भी और +50 डिग्री पे भी जो बॉर्डर पे कार्य कर रही है उनके लिए हथियार बना कर देता है, पुलिस फोर्स को भी बना कर देता है। आज तक इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री किसी भी रक्षा मंत्री ने हमारी निर्माणियों को प्रोत्साहित किया है, आधुनिकीकरण के लिए बातचीत किया है, लेकिन पहली सरकार ये है जो आज चल रही है केंद्र में, जो किसानों और मजदूरों पे और निर्माणियों पे हाथ डाला है। हम निर्माणियों पे हाथ ही नहीं डाला है, ये तब कभी 1942 में आयुध निर्माणी मुरान नगर ने जो 6 जून 1942 में किसानों ने अपनी ज़मीन कौड़ियों के भाव दी थी, वो इसलिए खुशी खुशी होकर दी थी, उनको प्राउड था कि मेरे देश की सेनाओं को ये सामान यहाँ बनेगा तो सेना के जवानों को जब जाएगा तो उसमें मेरा भी शेयर रहेगा। लेकिन आज की सरकार ने कौड़ियों के दाम जो किसानों से ज़मीन ली थी उस ज़मीन पे उन उद्योगपतियों की निगाह है, अडानी अंबानी की निगाह है, यहाँ के उत्पादन पे निगाह नहीं है, केवल यहाँ ज़मीन पे निगाहें हैं। यहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उस प्रदेशों की सरकार को उनके DG से आदेश आए हुए हैं, सभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में SDM स्तर का अधिकारी दो दो लगे हुए हैं। और ये पुलिस प्रशासन यहाँ के हमारे निर्माणी प्रशासन ने और SSP ने और DG ने मिलकर के एक योजनाबद्ध तरीके से 2 SDM एक नायब तहसीलदार, 3 लोगों का यहाँ ड्यूटी है। आज राजबहादुर सिंह SGM गाजियाबाद और नायब तहसीलदार नीरज द्विवेदी जी का यहाँ ड्यूटी था, उसमें SHO जो ओम प्रकाश जी है उनको भी आदेश है। इसमें कोई हमारे कर्मचारियों को ऊपर किसी तरह का वो नहीं था, दबाने के लिए था कि हड़ताल खुल जाए, इसलिए पुलिस को बुलाया गया था कि हड़ताल हो ना, लेकिन कर्मचारी अपना ही मन बनाया हुआ था, स्वतः मन बनाया हुआ था, नेताओं का इसमें कोई रोल नहीं था, केवल हमने मोटिवेट किया, बताया और उनकी समझ में आया, वो अपने आप रुका, किसी के कहने से नहीं रुका। चाहे पुलिस कितना ही कहा, पुलिस वालों ने कहा सरकार के कहने से, योगी सरकार के कहने से, जो मोदी सरकार का आदेश था उसके अकॉर्डिंग कहा पुलिस ने आके कि जो भाई जाना चाहते हैं जाओ, लेकिन वो अपने आप ही नहीं गया। हमारे हाथ में आपने देखा होगा, आप देख रहे हो चारों तरफ, किसी के हाथ में पेन भी नहीं होगा, लाठी डंडे की तो बहुत दूर की बात है। सुबह भूखे पेट आए थे, अब भूखे पेट जा रहे हैं और सरकार को कोस रहे हैं, भगवान इनको सद्बुद्धि दे और निर्माणियों को निगमीकरण ना हो करे। जो मेहनत का कर्मचारी है वो कहना चाहता है कि जो JEWM पद सर्जित किया इसका काम नहीं बताया, इसी कारण हमारा जो बम बन रहा है, जो सरकार सोच रही है ऑडिट में हमें पकड़ती है, जो 2 लाख का बम प्राइवेट वाला 1 लाख को देने को तैयार है, वो इस कारण है क्योंकि हमारे JEWM जूनियर वर्स्ट मैनेजर एक पोस्ट है, उसका ना तो नीचे काम है ना ऊपर काम है, वो हमारे पर ओवरहेड है, 1,75,000 तनख्वाह फ्री में जा रही है। यदि वो हमारे यहाँ से हटा दिए जाएँ तो हमारा बम का कॉस्ट कम हो जाएगा। लगभग 175 लोग यहीं नहीं है, लगभग 2,000 लोग 41 फैक्ट्रियों में मौज मस्ती कर रहे हैं, इनको हटाया जाए, ये हट जाएंगे तो जो कॉस्ट आपके सामने मैं 2 लाख बता रहा हूँ, निश्चित रूप से 1.5 लाख तो आ ही जाएगी। और इससे सरकार को भी जो सोच रही है, और स्ट्राइक में भी, मतलब जहाँ हमारे ऊपर कुठाराघात होता हो, हमारा अपमान होता हो, वहाँ वे काम करते हैं।